नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कुछ बल्ब दिखाऊंगा। ये जो बल्ब है इसको ये लिलियम का बल्ब है और इसको ये है केला लिली का बल्ब और एक ये बल्ब और है इसको रेनुकुलस। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको ग्रो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग करते हैं इसकी सॉइल से। तो सॉइल के लिए सबसे पहले इसमें 50% आप कंपोस्ट या सिटी कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट जो भी कुछ लेना चाहें, उसके बाद 25% आप सैंड और 25% गार्डन सॉइल को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बल्ब वगैरह है, एक हमारे मित्र हैं दोस्तों, ये जो बल्ब वगैरह है एक हमारे मित्र हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं चरण सिंह। ये रहा उनका नंबर, अगर आप बल्ब वगैरह मंगाना चाहते हो मंगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी रेट पर और बहुत ही अच्छे बल्ब देते हैं, सेल करते हैं। देखिए इसकी क्वालिटी, ये इसको कम से कम 5 दिन हो गए हैं दिल्ली से चले हुए, आज 5वां दिन है, फिर भी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं है, ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ग्रो नहीं होंगे। दोस्तों देखिए आगे, मैं आज आपके सामने इन खाली 3 बल्ब को ही ग्रो करूंगा, क्योंकि जो बाकी बल्ब हैं उनको मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, यहाँ तो मैं खाली जॉब करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले तो इसकी जो मिट्टी है वो भी आप पॉट वगैरह या कुछ भी लेना चाहते हो उसको एकदम समान कर लेते हैं, और समान करने के बाद एक एक बल्ब को ऐसे करके कुछ गड्ढा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लगा देते हैं। इसमें ध्यान रहे कि इसको ज्यादा डीपली नहीं आपको लगाना है, बस इतना सा। दोगे तो ये खराब हो सकता है। दूसरा जो बल्ब है उसको भी ऐसे करके हल्का सा गड्ढा करेंगे और लगा देंगे, फिर इस पर कम से कम 1/2 इंची के करीब सॉइल से ढक देंगे। ढकने के बाद ये जो तीसरा वाला जो बल्ब है इसको भी ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं और इस पर भी 1/2 इंची के करीब मिट्टी ढक देते हैं। तो ये था तरीका दोस्तों बल्ब लगाने का। अब आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अब बात आती है इसमें पानी कैसे और कितना दिया जाए। उसमें जो पानी है उसको आप थोड़ा थोड़ा दें, इसमें अगर आप ज़्यादा पानी दे दोगे तो जो बल्ब वगैरह है वो खराब हो सकते हैं, तो आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी जब आपको लगे कि एकदम ड्राई हो चुका है उसी के हिसाब से आपको इसमें से पानी देना है।